Audio Jungle. प्रदेश की खट्टर सरकार भले ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के दावे करते नहीं थकती हो, लेकिन निजी अस्पताल ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की छवि को बट्टा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते आज उस वक्त परिजनों ने एक निजी अस्पताल के सामने जमकर बवाल काटा, जब डिलीवरी के दौरान एक मरीज की हालत बिगड़ गई, उसे दिल्ली भर्ती कराया गया। मामला रेवाड़ी के गढ़ी बलोनी रोड स्थित डॉक्टर सुरेखा यादव अस्पताल का है, जहां खासपुरा मोहल्ला में रहने वाले राघव ने बीते माह अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में बिना डॉक्टरों के ही नर्सों ने मरीज की डिलीवरी करा दी। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने जैसे तैसे मरीज को वहां से निकाला और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने जब इसको लेकर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें ही डांटना शुरू कर दिया गया और कुछ लोगों को घर भेजकर उन्हें दबाने की कोशिश की गई। डिलीवरी के दौरान चिकित्सकों की लापरवाही के चलते मरीज की हालत बिगड़ी है। वहीं इस मामले को लेकर जब IMA प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा अगर इलाज में कोई कमी रही है तो वे कोर्ट या उनके पास शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इस तरह अस्पताल से हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मगर कुछ भी हो, इतना बड़ा बवाल होने के बाद भी अस्पताल संचालक ने कैमरे के सामने आने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चिकित्सकों को मरीज की जान की कितनी परवाह है। परिजनों के आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो जाँच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देखना अब यह है कि प्रशासन पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा पाता है या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाएगा, क्योंकि इस अस्पताल का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लापरवाही को लेकर इस अस्पताल पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है यहाँ हॉस्पिटल में आए आप? यहाँ मेरी भाभी एडमिट थे, उनकी डिलीवरी केस हुआ है यहाँ पे, तो इन्होंने केस इस कदर से बिगाड़ दिया। जब हम इसको यहाँ से वहाँ लेकर गए, उन्होंने एक डॉक्टर को देखते ही कह दिया कि कौन से डॉक्टर से आपने करवाया, मतलब उसको ये लगा लो कि चीज देख के बच्चा निकाले, ना तो कोई स्टिचेज लगा रखे है, पेट में इतना पानी था, हफ्ते भर से इन्होंने अनिमा पे डिपेंड रहे, अनिमा करते रहे, इसका कॉन्स्टिट्यूशन भी इतनी प्रॉब्लम थी इसको, फिर भी क्या था कि पेट में कह रहे गैस है गैस है गैस है। और जब हम दूसरे के पास लेकर गए तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अल्ट्रासाउंड करवाया, उसने मतलब बीमारी को सोचा, देखा कि क्या थी प्रॉब्लम क्या थी, उसको देखा, फिर आके उसने दिल्ली रेफर कर दिया। मतलब उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि उसको दिल्ली रेफर करना पड़ा। कुल मिला के डॉक्टर की लापरवाही मानी जाए? लापरवाही थी, और ये इतना लाइट ले रहे थे कि ये कह रहे थे अभी और ड्रेसिंग चलने दो। हमारी मैडम अभी देखेगी 4-5 दिन के बाद डिलीवरी, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, नर्सों ने डिलीवरी करवाई। डॉक्टर की डिग्री किस लिए ली जाती है? मतलब अगर केस उसका नहीं था सही, चलो हम मानते हैं उसका नहीं था, तो डॉक्टर का वाजिबा था कि उसको पूरा सही करके फिर डिस्चार्ज करे। उसने पहले क्यों डिस्चार्ज किया? उसके बाद आप फैमिली को वो करे कि नहीं, आपने उसको ध्यान नहीं रखा। अगर आपको उसका केस लग रहा था कि उसको कोई दिक्कत है, उसके स्टिचेस में है या उसकी कोई और प्रॉब्लम है, तो आप 2 दिन और रख लेते उसको, उसको पूरा प्रॉपर ढंग से ठीक करके उसके बाद डिस्चार्ज करते। अभी ये लोग आपकी फाइल मांग रहे हैं, फाइल मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमको पेपर दीजिए, बहाने मांग रहे हैं, हमें आधार कार्ड करना है, घर पे 2 बंदे भेजे हैं, पहले उन्होंने कहा कि पेपर दे दो। जब हमने उनको मना किया कि वो दिल्ली गए हैं वहाँ पर ले गए हैं, तो उनका क्या जवाब था? कहने लगे कि नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए, और ऊपर से हमें धमका रहे क्यों केस करोगी क्या, हम फोन मिलाए, मतलब हमें धमकी दो, लेडीज से बोलने की कमीज नहीं है इनके स्टाफ में। उसके बाद वही लेडीज आई है जिसने उसकी ड्रेसिंग के लिए हफ्ते भर और केस को बिगाड़ दिया, और वो फिर कह रही है कि नहीं हमें तो चाहिए, हमारी मैडम डंडा दे रही है, आप हमें पेपर दे दो। किस लिए देते हम पेपर जब हमारा मरीज इतना बीमार पड़ा है, जान से खेल रहा है, लाखों रुपए हमारे खर्च हो, मतलब ये तो नहीं सोच 35,000 का इंजेक्शन लगा रहे सर वहाँ, 35,000 के इंजेक्शन। ये पेट बड़ा हुआ क्यों है? बोले इसके अंदर गैस, जब ये चलेगी फिरेगी ठीक हो जाएगी, गर्म पानी पिए, दवाई खाए, घूमे फिरे ठीक हो जाएगी। चलो भाई चलता रहा हमारा ये काम 3-4 दिन तक, ड्रेसिंग करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी कोई साथ में नर्स ले जाओ, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, स्टिचिंग ज़्यादा स्टिचिंग कर दो डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के बाद हमने कहा चलो, हमने इनके हिसाब से एक नर्स आई, बोली मैं जाती रहती हूँ, अगर आप कहो तो मैं आ जाऊँगी, आप जो कहोगे जो दोगे मैं ले लूँगा। हमने कहा चलो हम इसको रख लिया, बच्चे का तो घर को ही चार कर दिया, हमने उसको रख लिया 3-4 दिन आई, तो फिर अगले दिन हमारी बिटिया बीमार हो गई, उसको पी लिया होगा छोटी वाली को जो हुई थी, हमने उसको एडमिट करवा दिया। फिर वो ड्रेसिंग के लिए वहाँ पर भी आई, उन्होंने लेकर उसको टक में बिठा दिया, जो उसकी सारी स्टिचिंग बिल्कुल टूट, और 9 दिन तक लड़की 1 घंटा कैसे सोती है, जापे वाली लेडी जो है वो आराम से सोती है, लेकिन लड़की 1 घंटा भी नहीं सोती। हम उसको 9वें दिन कलावती हॉस्पिटल में ले गए कि स्टिचिंग इसके टूट गए हैं, आप स्टिचिंग लगा दें। उन्होंने देखा इतना ही पेट था उसका कि अभी भी इसके अंदर 1 नहीं 2 बच्चे होंगे। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद यही आया कि इसके अंदर जो है पानी,
दो घंटे बाद उन्होंने इसको यहाँ से लाई दिल्ली हॉस्पिटल में है। ये हमारे पास आदमी क्यों भेजते हैं मतलब केस का वो केस करा है ना जो उन्होंने कहते हैं कि हमें फाइल दो हम किस लिए फाइल देंगे आपकी जो नॉर्मल उसके बाद डॉक्टर करने कोशिश कर लो नहीं तो ऑपरेशन होगा। सर वो नर्सिंग आई मैंने कहा बेटा एक बार कोशिश करवा के देख सब कहते हैं वो एक बारी के अंदर इन तीनों नर्सों ने एक सुमन थी एक सोनिया थी तीसरी को मुझे नाम नहीं पता एक आदमी का उन्होंने ऐसी इसकी मतलब डिलीवरी करी कि पता नहीं अंदर से क्या चीज दिया समझ नहीं आया कि 15 मिनट में लड़की बाहर आ डॉक्टर नहीं था डॉक्टर सिस्टम नहीं था। अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं डॉक्टर हमारे सामने नहीं आ रही डॉक्टर इनका कोई प्रेसिडेंट है कौन है वो हमारे पास आए वो यही कह रहे हैं कि तुम चुपचाप अपना जो है हमारे से बात करो भाई हम चुप क्यों करें हमारे तो वहाँ पर लाखों लग रहे हैं। अभी आपके पास बच्ची के जो कुल मिला के लापरवाही बरती गई इलाज के लिए भेज रहे हैं ये बंदे भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट वापस दे दो वो हमारे यहाँ से डॉक्यूमेंट दिए दे रहे चलो मैं अभी फोन करता हूँ। अरे कहाँ कंप्लेन AI में प्रेसिडेंट को दे सकते हैं सिविल हॉस्पिटल में दे सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और ऐसे शोर मचाना या किसी अस्पताल के सामने शोर मचाना डॉक्टर को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। एज ए AI प्रेसिडेंट मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको अगर से कोई परेशानी है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं ये वो ऑप्शन अपनाएं भीड़ तोड़फोड़ और डॉक्टर को फालतू में बदनाम ना करें। मैं AI प्रेसिडेंट कह रहा हूँ गर्जन को कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर ले ले मेरे से मिल ले ये कंप्लेन दे दे हम उसका तरीका है डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल नेग्लिजेंस बोर्ड बना हुआ है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ अगर जिनको कोई दिक्कत है तो हम इनको न्याय दिलवाएंगे मरीज के साथ गलत नहीं होने देंगे ये मेरा वादा है लेकिन तोड़फोड़ भीड़ इकट्ठा करना मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब लापरवाही की जो बातें कह रहे हैं लापरवाही के बाद जांच होगी उसके बाद पता लगेगा एक पक्ष जानने से हम लापरवाही नहीं मान सकते। जांच के दौरान पेशेंट की जान चली जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा उसका जिम्मेदार है अगर जो डॉक्टर की गलती है तो डॉक्टर जिम्मेदार है नहीं तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि कुछ बीमारियां ऐसी ठीक ना भी हो सकती हैं। अब ये इस केस में क्या हो रहा है इन्होंने कोई कंप्लेन सर इनका आरोप है कि डिलीवरी के वक्त कोई डॉक्टर प्रेजेंट नहीं नर्सों ने ही डिलीवरी कराई है ऐसा नहीं ये बात कोई कंप्लेन है तो एज AI प्रेसिडेंट ये चाहे तो आज मेरे को कंप्लेन दे हम इसका एक सरकार ने एक बोर्ड बना रखा है इसको डिस्ट्रिक्ट नेग्लिजेंस बोर्ड कहते हैं वहाँ पे हम इसके पक्ष में कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन आप AI प्रेसिडेंट है आपने कहा कि मेरे लोग जा रहे हैं डॉक्यूमेंट लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इन पर जिस तरह की बातें कह रहे हैं मरीज को डॉक्टर को बदनाम करने के लिए कोई ऐसा कर सकता है नहीं तो घर क्यों जा रहे लोग ये घर डॉक्टर तो कोई गया नहीं है अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से कैसे जाएंगे जब तक डॉक्टर के पास नहीं होगी।